शुरुआत बड़ी खबर से, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, मुख्तार के साले अनवर और सरजिल पर कार्रवाई की गई है। दोनों की 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बेबड़ी गांव में भूमि को प्लॉटिंग कर बेच रहे थे और ऐसे में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में जो तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, मुख्तार के साले अनवर और सरजिल पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि दोनों की 5 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है, सीज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और ऐसे में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा लगातार प्रशासन का कसता हुआ नजर आ रहा है। बेबड़ी गांव में भूमि को प्लॉटिंग करके रखा गया था। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। करीबियों पर कार्रवाई हो रही है और ऐसे में करीबियों की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक बार फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आपको बता दें कि मुख्तार के साले अनवर और सरजिल पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर, दोनों की 5 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी की करीबियों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उन पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मुख्तार के साले अनवर और सरजिल पर कार्रवाई का अंजाम दिया गया। दोनों की 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हमारे साथ सहयोगी आलोक ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, मुख्तार अंसारी के करीबियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ अपडेट है आलोक? जी, मैं बता दूं कि IS-191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जिला प्रशासन का लगातार डंडा चल रहा है। ऐसे में आज जिला प्रशासन के निर्देश यानी जिला अधिकारी के निर्देश पर SDM सदर और COCT भारी फोर्स के साथ सदर कोतवाली इलाके के बबेड़ी गाँव में पहुंचे, जहाँ सरजील रजा और अनवर रजा, ये दोनों भाई हैं, मुख्तार अंसारी के साले हैं। इन दोनों की जमीन है, भूमि प्लॉटिंग करके ये लोग बेच रहे थे और कुल मिला के कुछ जमीनें इन्होंने बेची है, लेकिन जो दाता संख्या मौजूद थे वो थे 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, जिसकी कीमत जो है 5 करोड़ 10 लाख बताई जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा। उसको आज कुर्क की कार्रवाई की गई है। ऐसे कुल मिला के अगर बता दें हम तो लगभग मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगभग 150 करोड़ की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कुर्कीकरण, ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जा चुकी है। जी आलोक, ऐसे में क्या लगता है कि और भी करीबियों पर गांज गिर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भूमाफिया माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से शासन का डंडा चल रहा है, जिला प्रशासन मुस्तैद है, तो निश्चित तौर से कहा जाए कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ ऐसे ही लगातार जिला प्रशासन का डंडा चलता रहेगा। आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल आलोक, और ऐसे में प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है, इस तरह की कार्रवाई साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। आलोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।